announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना कर्फ्यू सख्ती से लागू है। दूसरी तरफ अवामी एक्शन कमेटी के पूर्व चेयरमैन मीरवाइज फारूक अहमद और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के संस्थापक चेयरमैन अब्दुल गनी लोन की आज बरसी है। पहली बार कश्मीर में कोई हड़ताल या रैली नहीं हो रही है। इंटरनेट मीडिया पर कहीं कहीं दोनों नेताओं का जिक्र हो रहा है, उसमें मुख्यधारा की सियासत करने वाली पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख हैं। कश्मीर में पूरी खामोशी से पाकिस्तान में बैठे अलगाववादी बेचैन हैं। कश्मीर की सड़कें बाजारों पर पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। जिला सभा के विजयपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि पर उनकी तस्वीर पर फूल अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस नेता बबल गुप्ता की देखरेख में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया था। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ही 18 साल की उम्र में वोट डालने का अधिकार दिया था और देश में पंचायती राज की स्थापना भी उन्होंने की और उन्हें मजबूत बनाया। उन्होंने लोगों से पूर्व प्रधानमंत्री के बताए गए मार्ग पर चलने का आग्रह किया। जम्मू में कोरोना से जारी जंग में इस बीमारी की जांच व समय पर इसकी पुष्टि को सबसे ज्यादा अहम माना जाता है। जिला प्रशासन भी इसे अपना मूल मंत्र बनाकर जांच में लगातार तेजी बनाए हुए है। जम्मू में इन दिनों रोजाना सुबह 6 बजे से 10 बजे तक आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें खुलती हैं और इस दौरान बाजार में काफी भीड़ होती है। ऐसे में जिला प्रशासन ने भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में कोरोना जांच को प्राथमिकता देते हुए हर तरफ जांच शुरू कर दी है। प्रशासन की ओर से स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से वेयरहाउस, नेहरू मार्केट, कनक मंडी, नरवाल सब्जी और फल मंडी में रोजाना कैंप लगाकर कोरोना जांच की जा रही है। जिला पुलिस लाइन श्रीनगर में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस पर पुलिस जवानों सहित अन्य सुरक्षा बलों के साथ प्रण लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि कश्मीर घाटी में तैनात पुलिस जवानों या फिर अन्य सुरक्षा बलों के लिए आतंकवादी को मार गिराना मुश्किल नहीं है, परंतु हम आतंकवादियों को नहीं बल्कि आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं। कश्मीर घाटी का युवा पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठनों के बहकावे में आकर बंदूक उठा रहे हैं, जो चिंता का सबब है। वो कश्मीर के बेटे हैं। हम नहीं चाहते कि गोली से किसी घर का चिराग बुझ जाए। भटके हुए इन युवाओं को वापस मुख्यधारा में लाने के लिए वो प्रयास करते रहेंगे। एडिशनल डीसी घनश्याम सिंह ने अखनूर कस्बे का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने टेस्टिंग केंद्रों में हो रहे कार्यों को देखा और उसकी समीक्षा की। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अखनूर का भी निरीक्षण किया, साथ ही कोविड मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। वहीं डॉक्टरों से कोविड मरीजों के उपचार और देखभाल में कोई कमी न आने के निर्देश जारी किए। जम्मू में बीते दिन शाम को पश्चिमी विक्षोभ के कारण तेज तूफान के साथ भारी बारिश हुई। इस तेज तूफान में कई बड़े पेड़ उखड़ गए। वहीं जम्मू के प्रेम नगर में भी तेज आंधी तूफान के साथ एक बड़ा पेड़ दो हिस्सों में फट गया और एक मकान पर जा गिरा, जिससे मकान को काफी नुकसान पहुंचा है। पेड़ के गिरने से मकान में दरारें आ गई हैं। वहीं लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। जम्मू के भाजपा के एडिशनल ट्रेजरर प्रेम गुप्ता द्वारा पिछले 9 दिनों से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के गेट के बाहर जरूरतमंदों, मरीजों के अटेंडेंट्स व अन्य लोगों को अपने होटल से खाना बनाकर वितरित किया जा रहा है। रोज 300 लोगों के लिए खाने के पैकेट्स वितरित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीति है सेवा ही संगठन, उसके तहत हम लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं। जम्मू में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी जम्मू अर्बन ने आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि पे उन्हें पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर पूर्व मंत्री योगेश साहनी, प्रवक्ता रविंद्र शर्मा व अन्य नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन द्वारा पिछले तकरीबन 23 दिनों से कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। ऐसे में गरीब जरूरतमंद दिहाड़ीदार लोगों को खाने पीने के लाले पड़ते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने स्वयं भी इसका बीड़ा उठाया और जीएमसी जम्मू व अन्य इलाकों में घर का बना खाना और पानी वितरित किया। आज जबकि कई राजनीतिक दल और नेता चुपचाप बैठे हैं,
उन नेताओं को बाहर आकर अपनी जनता की सुध लेनी चाहिए। वहीं फादर ऑफ जम्मू सिटी मेयर चंद्रमोहन गुप्ता लगातार लोगों की मदद में दो कदम आगे ही चल रहे हैं। कोरोना महामारी का प्रकोप जारी है, दूसरी लहर घातक से धो रही है। प्रशासन लगातार लोगों से मास्क पहनने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की दिन रात अपील कर रही है। ऐसे में पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा बड़ी तादाद में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत जम्मू में मास्क सैनिटाइजर भेजे गए हैं। जम्मू में कोरोना कर्फ्यू सख्ती से लागू है, ऐसे में गरीब जरूरतमंदों दिहाड़ीदारों को खाने पीने की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी क्रम में पिछले कई दिनों से शिवसेना डोगरा फ्रंट ने अपने अध्यक्ष अशोक गुप्ता की अगुवाई में ड्राई राशन वितरण कार्यक्रम जारी रखा हुआ है। इसी क्रम में आज ऑटो रिक्शा वालों को ड्राई राशन वितरित किया गया, जिसमें दाल चावल तेल चीनी वितरित किए गए। जम्मू के मेडिकल कॉलेज में कोविड 19 मरीजों के साथ आई अटेंडेंट्स व अन्य लोगों को पुलिस द्वारा भीड़ ना लगाने और वार्ड्स में ज्यादा संख्या में ना बैठने की अपील करते हुए उन्हें बाहर निकलने की अनुरोध किया जा रहा है। ज्यादा भीड़ चाहे वो वार्ड हो या बाहर, कोरोना संक्रमण के फैलने का अंदेशा ज्यादा हो जाता है। आम लोगों को चाहिए कि वो पुलिस का पूरा सहयोग करे, ये सब हमारी हिफाजत के लिए ही कर रहे हैं। सांबा के वार्ड नंबर 10 में चोरों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोर ने 4 सोने की चूड़ियां, कान की बालियां और 15,000 नकदी चुरा कर अपने साथ ले गए। घर के मालिक देवेंद्र दत्ता ने बताया, चोरी 7:30 बजे के करीब हुई। वो उस वक्त अपने बड़े भाई के घर गए हुए थे, पत्नी छत पर टहल रही थी। बेटे ने कमरे में जाकर देखा तो घर की अलमारी अपनी जगह से हटी हुई थी। घर वालों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।